यस तो यस सबसे पहले मुझे बताओ संज्ञा किसे कहते हैं नाउ संज्ञा संज्ञा पेज नंबर 25 पेज नंबर 25 के ऊपर देखो संज्ञा किसे कहते हैं वन बाई वन बताओ मुझे संज्ञा किसे कहते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या है ठीक है नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं यस तो अब मुझे बताना कि इसमें से कौन सा शब्द मैं यहाँ से कुछ लिखूंगी आपको मुझे उसमें से संज्ञा शब्द छांट कर बताने हैं म्यूट ऑल योर सेल्फ्स म्यूट ठीक है मैं ऐसे बोल रही हूँ संज्ञा राम घर जा रहा है उसमें से संज्ञा कौन सा शब्द है राम राम वेरी गुड दूसरा ओके सेकंड पर दूसरा क्वेश्चन है कि पुस्तक कौन पढ़ रहा है उसमें से कौन सी संज्ञा है कौन सी पुस्तक ठीक है अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है ये इसको रीड करो और मुझे बताना ये भी क्या लिखा है ये क्या लिखा हुआ है जनवरी और ये क्या लिखा है ओके फरवरी ये क्या लिखा हुआ है ये क्या है ठीक है यहाँ पर मोहित मैं महीनों के नाम लिख रही हूँ ठीक है पहले मैं लिखूंगी उसके बाद एक बार रीड करके आप लोगों को बताना है मुझे सबके सारे ठीक है तब तक बोलना नहीं है पहले देखो महीनों के नाम और टोटल कितने मंथ होते हैं वन ईयर में 12 तो यहाँ पे हम लोग कितने महीनों के नाम लिखेंगे टोटल 12 कितने 12 महीनों के नाम तो सबसे पहले क्या आता है जनवरी सेकंड वन फरवरी फिर उसके बाद क्या आता है थर्ड नंबर पे क्या आता है मार्च अप्रैल
जनवरी जनवरी फरवरी फरवरी माह अदर अच व्यंजन कहता है मार्च अप्रैल अ ओके प्लेयर में अदर बन गया प्र ऊपर आई की मात्रा और ल अप्रैल मई म और बड़ी बड़ी मई ठीक है जून छोटे मुंह की मात्रा और न जून उसके बाद जुलाई नेक्स्ट क्या आता है एक मंथ कौन सा होता है अगस्त अगस्त और अगस्त अभी नौ आज से कौन सा महीना स्टार्ट हुआ सितंबर कौन सा सितंबर नंबर टेन पे कौन सा आएगा सितंबर के बाद अक्टूबर कौन सा अक्टूबर अक्टूबर वेट अक्टूबर अक्टूबर फिर अक्टूबर के बाद अक्टूबर के बाद क्या आता है नवंबर यस उसके बाद आता है अक्टूबर के बाद नवंबर हाँ तो इलेवन मंथ का क्या नाम है नवंबर नवंबर फिर तो लास्ट मंथ कौन सा होता है हमारा दिसंबर ठीक है ग्रामर का पेज नंबर 60 निकालो 60 ठीक है 60 निकालो क्या पेज नंबर 60 निकालो पेज नंबर 60 निकाला नो मैम लास्ट एकदम पेज लास्ट में कर लो एकदम लास्ट में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर आपको सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो कौन कौन से होते हैं सबसे पहले पेज नंबर 60 यस डन सी बीच में बोलो बात रमेश नीलाजकर यस मैम आवाज बंद करो ओके मैम यहाँ पर देखो आप लोगों को सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं 7 कौन कौन से यहाँ पे नंबर वाइज आपको बताया हुआ है सबसे पहले आएगा सोमवार फिर मंगलवार थर्ड नंबर पे बुधवार और फोर्थ पे गुरुवार फिर फिफ्थ पे शुक्रवार शनिवार और लास्ट जो सेवन डे होता है वो रविवार ओके नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे ओके उसके बाद है नीचे आओ महीनों के नाम तो महीनों के नाम में इसी तरह साल में 12 महीने होते हैं जैसे एक सप्ताह मतलब 1 वीक में 7 डेज होते हैं वैसे ही एक 1 मंथ में टोटल कितने दिन होते हैं 30 डेज 31 भी होते हैं फेब्रुअरी जो है 28 का है जैसे 30 और 31 डेज ओके तो इसी तरह साल में 12 महीने होते हैं एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं 12 और उन 12 महीनों के नाम जो है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और आपको यहाँ पर बुक में भी दिखाई दे रहा है ठीक है तो जनवरी इंग्लिश में कैसे बोलते हैं जनवरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क होता है हिंदी में कैसे लिखेंगे जनवरी
ओके जैसे हम प्रणाम कर रहे हैं जनवरी तो सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा ज न व री ओके जनवरी बोलते बोलते लिखोगे तो अपने आप ही लिखने आ जाते हैं ठीक है। उसके बाद है फरवरी फ र व री कौन सा हम लोग वर्ण जो बोल रहे हैं हमारे मुंह से कौन सी आवाज आ रही है कौन से वर्ण की आ रही है जैसे अभी मैं लिख रही फरवरी तो कौन सा आ रहा है सबसे पहले फ फिर र ब री बड़ी की मात्रा फरवरी ओके। मार्च अभी मार्च है तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे इसको कि यहाँ पे लिख दिया मैंने मा और र और च ये हो गया मार्च। इसको अगर हम पूरे इसमें बोलेंगे मा र च मार्च तो ये गलत हो गया और हमें क्या लिखना है मार्च। र की साउंड जो आ रही है वो एकदम छोटी आ रही है बीच में तो मा और च र र कहाँ पे आया हुआ है अभी च के ऊपर मा र च मार्च ठीक है। ऐसे करेंगे मा र च मार्च ऐसे नहीं ये रॉन्ग है। मार्च अगर आप प्रोनाउन करते हुए लिख दोगे मा और र और च गलत हमेशा च के ऊपर आधा र आता है तो ये क्या बन गया मार्च। आप लोगों को लग रहा है कि हाँ हमें तो बड़े जल्दी जल्दी याद आता है लेकिन विदाउट सीन जब लिखने को आओगे तो आप लोग कितनी मात्राओं में गलतियां करोगे और विदाउट सीन कितने आएगा तो उसके लिए पहले प्रैक्टिस करो कि हम लोग जो शब्द लिख रहे हैं उसको प्रोनाउंसिएशन करते समय प्रोनाउन करते समय कौन सा वर्ड कौन से लेटर की आवाज आ रही है कौन सी मात्रा की आवाज आ रही है ठीक है फिर आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद है अप्रैल ओके तो अप्रैल के लिए कैसे अगर हम वर्णों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे अ कौन सी साउंड आ रही है अ प प के पैरों में र अप्र और ऊपर आई की मात्रा दो मात्रा है अप्रैल हेलो तो क्या बन गया अ प्रैल अप्रैल ठीक है। उसके बाद है मई अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा मई लंबी साउंड आ रही है ना तो इसके लिए हमें कौन सी लिखेंगे मई बड़ी की मात्रा म और बड़ी की मई। फिर आया जून ठीक है तो जून के लिए कौन सी मात्रा लगती है कौन सी है ये कौन से ऊ की मात्रा लगी हुई है जो को बड़े बड़े ऊ की मात्रा यस तो बड़े ऊ की मात्रा मतलब इसमें भी जब हम जून जून लिख रहे हैं तब जो ऊ की आवाज आ रही है साउंड आ रही है वो लंबी चल रही है जून ठीक है। अगर जून होता तो कौन सी मात्रा होती छोटे ऊ की ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जुलाई तो अभी यहाँ पे जून ही आ रही है ओनली छोटी सी जुलाई तो छोटे ऊ की मात्रा ला लघु ऊ की मात्रा और बड़ी ई जुलाई ठीक है। अब जून और जुलाई में कौन से ऊ की मात्रा लगती है उसको ध्यान से देखो बड़े ऊ की किसको लगेगी जून जून हाँ और छोटे ऊ की मात्रा किसको लगती है जुलाई को जुलाई यस। अब एट मंथ अब मैं पूछूंगी कि हमारा नाइन्थ मंथ का नाम बताओ नौवे महीने का नाम बताओ तो क्या नाम है हमारे नौवे महीने का नाइन्थ मंथ कौन सा होता है सितंबर कौन सा हाँ उसको ऐसे फिंगर में याद होना चाहिए उसको फिंगर में याद होना चाहिए जनवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे माइंड एकदम से होना चाहिए ठीक है इतना टाइम नहीं लगाना है सितंबर कौन सा अभी और कौन सा मंथ स्टार्ट हुआ हमारा सितंबर यस तो सितंबर कैसे लिखेंगे
सी त त के ऊपर अंक का बिंदु सितंबर व और र क्या बन गया सितंबर फिर अक्टूबर अक्टूबर को अभी आप लोग बोलोगे कि ये क्यों गो तो ऐसे होता है सी गो तो ऐसा होता है ना पूरा फिर यहां पे आधा गो तो आया हुआ है ये तो मात्रा हां अ क क्योंकि क पूरा नहीं आ रहा है क ओनली आधा साउंड आ रही है उसमें अक्टूबर ठीक है अ आधा क और आगे क्या आएगा उसके आगे कौन सी मात्रा कौन सी बड़े रूपी अक्टूबर नहीं होता अक्टूबर ठीक है फिर उसके बाद नवंबर कौन सा न आगे ब ओ आगे यहाँ से पहले व फिर व और र और ऊपर बिंदी कहाँ पे आएगी बिंदी न म ब र ठीक है फिर उसके बाद दिसंबर तो दिसंबर के आगे से छोटे ई की मात्रा दो को दिसंबर और सबसे पहले छोटा डी फिर उसके बाद सम स के ऊपर बिंदी और ग और र क्या बन गया दिसंबर ठीक है तो पहले सबसे पहली बात कि ऐसे याद रखो कि उ की मात्रा किसको फिर छोटे उ की मात्रा कौन से मंथ में लगी हुई है किस में लगी हुई है छोटे उ की मात्रा जुलाई में यस और बड़े उ की मात्रा किसको लगी हुई है जून और जून और अक्टूबर यस तो यहाँ पर देखो सब महीनों के नाम भी है पहला मंथ जनवरी फरवरी थर्ड कौन सा होता है मार्च फिर फोर्थ मंथ कौन सा अप्रैल फिफ्थ कौन सा मई सिक्स कौन सा जून फिर सेवेंथ कौन सा होता है जुलाई फिर अगस्त कौन सा है ए और अभी कौन सा चला हुआ है सितंबर फिर उसके बाद आएगा अभी सितंबर के बाद टेंथ मंथ आएगा तो कौन सा होगा वो अक्टूबर अक्टूबर ठीक है फिर नवंबर और लास्ट मंथ होता है दिसंबर कौन सा दिसंबर अब मुझे बताओ कि छोटी ई की मात्रा कौन कौन से मंथ में लगी हुई है देख के बताओ मुझे जल्दी छोटी ई की मात्रा सितंबर हाँ सितंबर को और दिसंबर को किसको किसको दिसंबर और सितंबर सी तक ऊपर बिंदी और इन दोनों को छोटी की मात्रा आती है सितंबर और दिसंबर को ठीक है फिर उसके बाद मुझे बताओ कि बड़ी ई की मात्रा किसको लगी है बड़ी ई की मात्रा किसके साथ आती है जनवरी सुनाई पड़ रहा है मुझे सुनाई पड़ रहा है एक दूसरे को देख के भी बोलने का जरूरत नहीं है जनवरी और फरवरी फन फेयर चालू है यहाँ पे कि क्लास चालू है
जो एक दूसरे को देख के तुम लोगों ने रेस लगाई हुई है कि हाँ मैं बोलूंगा, उसे बोलो मैं बोलूंगा, वो भी स्टार्ट हो गए। उसमें से श्रीकांत कुमरे कुमकर, क्या नाम है आपका? श्रीकांत अभी आवाज बंद, जब बोलना क्वेश्चन पूछना तब आवाज नहीं आती है। और ऐसे तुम लोगों ने यहाँ मैराथन लगाया हो, एक दूसरे के साथ कंपटीशन रखते हो कि उसने बोला तो मैं उससे ज्यादा साउंड करूं। नेम ऑफ द वीक एंड नेम ऑफ द मंथ, ये दोनों अच्छे से लर्न करने हैं, होमवर्क है। ये दोनों ही चीजें अच्छे से लर्न करनी है। और मात्राओं की बिल्कुल भी गलतियां नहीं होनी चाहिए कि छोटी की जगह बड़ी लगा के छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ लगा दिया। पहले लिखने का मतलब यही होता है कि मात्राओं को अच्छे से समझो, नहीं तो फिर मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, तो मात्राएं वैसे लगानी है और एकदम अच्छे से उनको लर्न करो, ये दोनों चीजें। और दूसरी बात, जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है नोटबुक पे, उसको कंप्लीट करो अपना होमवर्क। और तीसरी बात कि बुक करेक्शन से पहले पहले सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। क्लियर? रीड करो बैठ के। आवाज नहीं होनी चाहिए, रीड करो।